जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की एकादशी का नाम देव शयनी एकादशी है। तो आइए आज की एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने वे आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सभी युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। जबकि राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैव्रत पुराण में देव शयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की एकादशी व्रत कथा का समापन यहीं पर होता है। अगली एकादशी की व्रत कथा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें। राधे राधे दोस्तों, टेक केयर।